हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जो कि प्लस टू और जेई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आज पढ़ने वाले हैं टेंजेंट नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंबन, जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा और अभिलंबन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक फार्मूले, उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक दो छोटे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो हम ग्राफ वाइज देखेंगे, फिगर सहित की किस तरह से इक्वेशन बनता है। तो पहले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूले, बेसिक फार्मूले के बारे में और उसका मतलब कैसे यह निकला है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें हमने पांच पॉइंट लिखे हैं। प्रवणता स्लोप जो होता है, जो प्रवणता हिंदी बोलते हैं स्लोप को, MdyDx पॉइंट जो है x1 y1 पे हम कोई चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी प्रवणता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ढाल, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, DyDx जो कोई पॉइंट दिया रहेगा x1 और y1। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन, जो टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है x1 y1 पॉइंट पे हम निकालेंगे क्या, y - y1 dy/dx। x1 y1 पे हमने बताया था तो x - x1, तो ये हो गया स्पर्श का समीकरण जिसे टेंजेंट का इक्वेशन कहते हैं। फिर आता है अभिलंबन का समीकरण यानी नॉर्मल का इक्वेशन, तो ये होता है जस्ट इसके थोड़ा सा अपोजिट, y - y1। यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, 1/dy/dx पॉइंट हम जो लेके चल रहे हैं, x1 y1 कोई पॉइंट दिया होगा और यहाँ पे x - x1। तो टेंजेंट और नॉर्मल में बस ये डिफरेंस है कि ये माइनस हो जाता है लेकिन ये इसके मतलब इनवर्स हो जाता है इसके अपोजिट साइड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्ट dy/dx हो जाता है। पांचवी चीज ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जब स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर हो, यानी एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होती है रेखाएं, तो वो dy/dx क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। अगर सपोज करिए कि यही छठवां पॉइंट आपको लिखना हो, तो जब स्पर्श रेखा क्या हो, वाई एक्सिस के समांतर हो, तो dx/dy भी जीरो हो सकता है। यहाँ पे हमने पांच बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं प्रवणता स्लोप m = dy/dx, क्योंकि आपको पूछेगा कि एक इक्वेशन देगा वो दो पॉइंट देगा, तो बोलेगा क्या, प्रवणता ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज क्या, ढाल भी आपसे पूछ सकता है, टेन थीटा बताइए, dy/dx आपको दे देगा, कुछ एक इक्वेशन दे देगा और पॉइंट दे देगा, और उसका टेन थीटा आपको फाइंड करना रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का इक्वेशन में आपको ऑलरेडी पॉइंट दिया रहेगा और एक इक्वेशन दिया रहेगा, तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें प्रवणता निकालने का विधि हम देखेंगे कि कैसे हम प्रवणता फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में, धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और जहां ना समझ में आए जरूर पूछें। तो क्वेश्चन दिया है y = x²। क्वेश्चन कुछ पहला ये दिया है y = 3x + 1, क्या दिया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे y = दिया है x²-3x+1, और इसका जो पॉइंट दिया है हमें क्या दिया है, 3 और 1, और बोल रहा है कि इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए, m ज्ञात करना है, ठीक है, ढाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रवणता m = क्या होता है, dy/dx पॉइंट किसी पे x1 एंड y1 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे जब करेंगे dy/dx बहुत आसान है, 2x, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ 2x + ये x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे प्रवणता जिसे m कहते हैं वो
अब कौन सा हमारा पॉइंट दिया है, 3 and 1 दिया है, तो चूंकि यहाँ पे 2x-3 है तो x के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ देखो 3 है, ये क्या होता है x होता है, ये y होता है, तो यहाँ x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3, तो m = d/dx लिख सकते हैं। पॉइंट हमारा दिया है 3 and 1, तो ये हो जाएगा 2 * 3 = 6, 6 में से 3 गया 3, यानी कि जो इसका प्रवणता m आया वो क्या आया 3 आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम प्रवणता ढाल भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब सपोज कर लीजिए जी कि आपको ढाल tan थीटा या ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो हमने ये हो गया प्रवणता निकल गया, अब इसी इक्वेशन को लेके चले तो इसको प्रवणता ज्ञात करना हो इसी पॉइंट पे हमारा, जैसे m तो निकाल लिया हमने, अब tan थीटा हमें फाइंड आउट करना हो तो tan थीटा भी हमारा क्या होता है dy/dx, पॉइंट हमारा क्या रहता है हमारा x1 and y1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो dy/dx ये ऑलरेडी इतना हो गया, फिर पॉइंट हम क्या रखेंगे यहाँ पे देखिए कि dy/dx, पॉइंट हमारा क्या दिया है 3 and 1। ठीक है, तो जब पॉइंट रखेंगे 2 * 3 तो ये आ जाएगा फिर 3। ठीक है, यानी कि tan थीटा जो आया हमारा क्या आया 3, वही प्रवणता होता है, tan थीटा को ढाल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकल के आई tan inverse 3। तो ये इस तरीके से आप इसका tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, आई थिंक फरवरी 2nd week तक कंप्लीट हो सकता है, मैं वही कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि एग्जाम से ट्रैक होने वाले, एग्जाम से मिलने वाले हैं, ना कि हम पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।